हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया लाइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डी फार्मा के फार्मास्यूटिक्स के थर्ड चैप्टर के बारे में, जो कि आपके फर्स्ट ईयर में दिया गया है और पीसीआई के तहत ये सिलेबस में दिया गया है। इसका सिलेबस क्या है पहले वो जान लेते हैं और पार्ट वन आज हम इसका यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल एड। अब व्हाट इज योर एड, एड को बोला गया ना फर्स्ट एड, पहली मदद। तो फार्मास्यूटिकल में जो हेल्प होती है, जो मदद करने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलैप्टिक में मतलब ऑर्गन लविंग, जैसे कि कलरिंग एजेंट आप यूज करते हैं टैबलेट को कलर करने में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ये आपका पार्ट वन होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर दें अपने डी फार्मा लेक्चर्स के लिए और जुड़ जाएं हमारे साथ डी फार्मा की तैयारी करने के लिए। यहां पर आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सारे कंप्लीट लेक्चर्स मिलने वाले हैं विद देयर एक्सप्लेनेशन, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन। अब जुड़ना कैसे है, आपको क्या करना है, डीपी इंडिया आपको ये नंबर सेव करना है अपने फोन में और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे डीपी इंडिया, तो आपको हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप में जो कि स्पेशल डी फार्मा के लिए बनाया गया है उसमें ऐड कर लेगी और फिर आगे आपको जो भी अपडेट्स हैं, एग्जाम मॉडल पेपर क्वेश्चंस पीडीएफ सब मिलता रहेगा ग्रुप में। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड का मतलब जो फार्मास्यूटिकल एजेंट्स होते हैं जो मदद करते हैं हमारी फॉर्मुलेशन। लेट सपोज अगर ये, अब देखो जरूरत क्या थी इसकी फार्मास्यूटिकल एड की, आखिरकार बिना जरूरत के तो हम पढ़ नहीं रहे। अब ये टैबलेट है, कोई भद्दी कलर की टैबलेट समझ लो, ये ऐसी टैबलेट खा लोगे क्या, नहीं खाओगे। अब हमारे जैसे हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं कि लाल वाली गोली, पीली वाली गोली, हरे वाली गोली, नीले वाली गोली, मतलब कहीं ना कहीं अगर बच्चे को हमने कोई भद्दी सी टैबलेट दे दी वो नहीं खाएगा, उसको अट्रैक्टिव कैंडी फॉर्म में दे दो, तो कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल एड इसी में मदद करता है। एड मतलब कलरिंग एजेंट, टैबलेट को अच्छा बनाना, उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा बनाना, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट, कोई कड़वी है ड्रग, उसमें हमने स्वीटनिंग एजेंट डाल दिया, मीठा कर दिया। जैसे कफ सिरप आप बहुत सारे पीते हैं, मीठे टाइप के लगते हैं, उसमें देखिएगा उसके कवर पे स्वीटनिंग एजेंट लिखा रहता है। तो इंट्रोडक्शन क्या कहता है, इंट्रोडक्शन कहता है कि फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस है जिसमें कोई थेरेप्यूटिक वैल्यू या थोड़ी सी थेरेप्यूटिक वैल्यू होती है। मतलब सिंपल सी बात है, ये फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर कोई थेरेप्यूटिक, कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। और ये यूज किए जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, इंजेक्शन, इमल्शन और ऑइंटमेंट्स। इस तरह के फार्मास्यूटिकल एड टैबलेट बनाने में, इंजेक्शन बनाने में, आपका इमल्शन जो क्रीम होती है उसको बनाने में हम यूज करते हैं। अब फार्मास्यूटिकल एड्स को अगर मैं कह दूं यहां पर, दीज में बी रिक्वायर्ड फॉर दी पर्पस, किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। देखिए फॉर प्रिजर्वेशन, फार्मास्यूटिकल एड प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को आपकी दवाई में ना होने दे, विच प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन, आपकी फॉर्मुलेशन को स्टेबल रखना, खराब ना हो किसी भी कंडीशन में। एसिडिफिकेशन, एल्कलाइजेशन, सस्पेंडिंग, एक्सिपिएंट, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन, ये इसका पर्पज है, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करें ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स की, जिसमें ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स में ही हम तीनों पढ़ने वाले हैं, आपका कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है। ऑर्गेनोलैप्टिक, सबसे पहले वर्ड पर जाएंगे, ऑर्गन आ रहा है वर्ड ऑर्गन, लैप्टिक मतलब लविंग, मतलब जो हमें देखने में अच्छा लगे, हमें महक अच्छी आए तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, दवाइयां इन चीजों को देखकर भी बनाया जाता है कि पेशेंट को कैसा लगेगा उसको खाने के बाद, ठीक है, कलरफुल बने, पीली नीली। अब कोई भद्दी कलर की टैबलेट तो कोई खाएगा नहीं, तो ऑर्गेनोलैप्टिक में ही हमारा क्या क्या जाता है, ऑर्गेनोलैप्टिक में ही हमारा कलरिंग एजेंट जो हम कलर्स यूज करेंगे, स्वीटनिंग एजेंट जो हम मिठास यूज करेंगे फॉर्मुलेशन में, और तीसरा हमारा क्या है, कलरिंग, स्वीटनिंग और हमारा है फ्लेवरिंग, फ्लेवर जो फ्लेवर प्रोवाइड करेगा हमारी फॉर्मुलेशन को, ठीक है। ये तीन हो गए। अब सबसे पहले हम ऑर्गेनोलैप्टिक की पहली बात पकड़ते हैं। ऑर्गेनोलैप्टिक एडिटिव्स आर द सब्सटेंस
which promote the appearance and palatability of pharmaceutical preparations. Organoleptic preparation या organoleptic additives, additives मतलब जो add किया जा रहा है other than drug, drug के अलावा, ठीक है, ये वो substance हैं जो हमारी formulation, like जैसे tablet का हमारा appearance, उसका representation उसको अच्छा बना दे. दूसरी बात बोली गई, ये inert है, inert and nature have the no, mainly simple जो है कोई therapeutic value नहीं है. inert का मतलब क्या होगा, API जो है, जो API है और ये additive है, additive ये आपस में react नहीं करेंगे. pharmaceutical additives हमारे inert रहते हैं, मतलब react नहीं करेंगे आपस में. नेक्स्ट बोला, देयर इज अ डेफिनेट साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर ड्रग थेरेपी. साइकोलॉजिकल मतलब यही बात बोली कि थोड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि अगर अच्छी दिखने में होगी दवाई तो अच्छी लगेगी, यहां पर बोला गया है, ठीक है. तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है. द ड्रग आर नोन फॉर देयर बैड सेंसुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. यहां पर इस लाइन का मतलब मैं आपको समझा देता हूं पूरा सारांश. यहां पर बोला गया कि कोई ड्रग, उसको हमें पता है कि ये ड्रग कड़वी है, तो इंडस्ट्री ने अगर उसमें स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट डाल दिया और वो अच्छा बना दिया, पेशेंट उसको ले पा रहा है, अच्छे से एक्सेप्ट कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनोलेप्टिक ने उसकी प्रॉपर्टी को सुधार दिया. तो यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर. अब एग्जांपल क्या क्या है हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक के, कलरिंग एजेंट जो हम कलर डालते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट, ये हम सब यूज करते हैं अपने एज एन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स में, ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कलरिंग एजेंट की. देखिए कलरिंग एजेंट ये वो वाले कलर नहीं है जो होली में आप यूज कर रहे हैं और गुलाल आपने पता लगा टैबलेट बनाई गुलाल डाल दिया, नहीं. कलरिंग एजेंट भी यहां पर एक पर्टिकुलर बॉडी जिसका नाम बोला गया है FDA, FDA अप्रूव्ड कलर्स ही हम यूज करेंगे, जो FDA ने बोला कि भाई आप ये कलर यूज कर सकते हैं अपनी दवाइयों में जब बनाते हो. तो यहां पर बोला गया अकॉर्डिंग टू दी FDA कलरिंग एजेंट कैन बी डिफाइंड एज एनी डाई, पिगमेंट और अदर सब्सटेंस दैट कैन इंपार्ट, इंपार्ट मतलब जो कलर दे सके टू द फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स. केवल वही कलर यूज करोगे जो FDA ने अप्रूव किए हैं. दूसरी बात बोली कलरिंग एजेंट्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मेनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मेकिंग देम अट्रैक्टिव, अपीलिंग एंड इंफॉर्मेटिव. यहां पर एक बहुत अच्छी बात बोली गई कि कलरिंग एजेंट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी दवाइयों में, क्योंकि उन्हें अट्रैक्टिव, आकर्षित बनाते हैं और उनपे इंफॉर्मेशन और अपीलिंग बनाते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है. कलरिंग एजेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू अब्सॉर्ब द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट, FDA is responsible for regulating all coloring agents or additive to ensure that food containing coloring agents are safe to eat. मतलब इसमें FDA ensure करता है कि जो भी आप कलर दवाई में देख रहे हैं वो मैंने ही, जो हमारी बॉडी है उसी ने रेगुलेट किया और ये सेफ है, खाने के लिए भी सेफ है, ठीक है. उसी के बाद सर्टिफाइड कलर्स हमारे सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और नेचुरल भी है, ठीक है. मेनली सिंपल यूनिफॉर्म कलर एंड लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है. अब यहां पर कलरिंग एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया. पहला नेचुरल, जो हमें और बिल्कुल नेचर से मिल रहा है, डायरेक्टली नेचर से, ठीक है. नेचुरल कलरिंग एजेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. पहला कलरिंग एजेंट जो हमें प्लांट से मिल सकते हैं, पहला बीटा कैरोटीन मिल सकता है, करक्यूमिनोइड्स हल्दी, ठीक है, सेफ्रॉन केसर से, ग्रीन डाई मेड फ्रॉम कोलेरा एल्गी, ठीक है. देखिए तो ये नेचर से ही तो मिला, हल्दी नेचर से मिलती है, सिंपल सी बात. जो एनिमल से हमें मिल सकता है, एनिमल से क्या है, कोकनियल, कोकनियल से हमें रेड मिलता है, एक तरह का एनिमल लक्का जिसको बोलते हैं कोकनियल इंसेक्ट, और डेक्टोपाइनस कोकस इसका नाम है, ठीक है. उसके बाद मिनरल्स, जो खनिज पदार्थ से हमें कलर्स मिल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा. एज अ रेफर टू एज अ पिगमेंट एंड यूज फॉर कलरिंग, लोशंस में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स और एक्सटर्नल यूज में जो फॉर्मुलेशन आप यूज करते हैं उनमें यूज किया जाता है. नेक्स्ट आर द एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं. एग्जाम्पल में यहां पर मैं आपको डिफाइन करूं, रेड येलो फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, लेड क्रोमेट, कार्बन ब्लैक एंड पर्शियन ब्लू, ये आपके यूज किए जाते हैं एज एन कलरिंग एजेंट, नेचुरल. अब दूसरी बात मैं यहां पर करूं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, जो लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं
उनको बोला गया है सिंथेटिक और आर्टिफिशियल। अब यहां पर मैनमेड, सीधी सी बात, जो आदमी इंसान के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लैब में बनाए जा रहे हैं, मैनमेड कलर्स और कलरिंग एजेंट्स डेवलप्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक, उनको सिंथेटिक बोला गया। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स कंसिस्ट ऑफ वॉटर सोल्यूबल सिंथेटिक डाइज और दी एल्यूमिनियम सॉल्ट्स ऑफ दीज डाइज कॉल्ड लेक्स। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं उनके अंदर वॉटर सोल्यूबल सिंथेटिक डाइज होती है जिनको हमने, और एल्यूमिनियम लेक्स जिनको हमने लेक्स भी बोला। ठीक है, अब एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि यहां पर कौन कौन से सिंथेटिक हो सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अर्थ्रोसिन रेड इन कलर, टार्टरजीन लाइट ऑरेंज इन कलर, ब्रिलियंट ब्लू, ब्लूइश वॉयलेट इन कलर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कौन सा कलर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद जो अमाउंट है, मतलब किसी फॉर्मुलेशन में आप ऐसा तो नहीं है कि लेट सपोज 50 mg की कोई टैबलेट है और उसमें 45 mg तो कलर ही यूज कर दिया, मर जाएगा पेशेंट। तो अमाउंट ऑफ कलरिंग एजेंट टू द लिक्विड प्रिपरेशन रेंजेस फ्रॉम 0.005 टू 0.001% फॉर पाउडर, 0.1% केवल हम यूज करेंगे। मात्रा भी दे दी गई कि कितनी मात्रा में आप इसको यूज कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा फ्लेवरिंग एजेंट की। फ्लेवरिंग एजेंट आखिरकार क्यों? उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको मतलब एक होता है ना, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, लेट सपोज वनीला आइसक्रीम की बात करूं या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की बात करूं तो टेस्ट तुरंत आता है। सोचो, एकदम से टेस्ट आता है। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ की चाट हमें फेमस है तो तुरंत वो नमकीन, वो चटपट जो अंदाज है वो एकदम से टेस्ट में आता है। फ्लेवरिंग एजेंट इसलिए इंडस्ट्रीज प्रिफर करती हैं कि हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो अट्रैक्टिव बने, अपीलिंग बने, और कोई भी अगर उसको एक बार ले तो उसको थोड़ा सा आदत लग जाए। डाइजीन की बात करूंगा, डाइजीन का टेस्ट आ जाता है, डाइजीन नॉर्मल होता है। फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट दोनों यूज करते हैं, उसमें स्वीटनिंग एजेंट भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर फ्लेवरिंग एजेंट मेनली किस लिए होता है? फ्लेवरिंग टू मास्क द अनप्लीजेंट एंड अनएक्सेप्टेबल ऑर्डर, उसकी महक को छुपाने के लिए हम इसमें यूज करते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवर्स रेफर्स टू अ मिक्स्ड सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल एंड साइट एंड साउंड। सीधी सी बात है, आप अब देखो फ्लेवरिंग एजेंट कहां पर काम करता है कि सर हम तो मुंह से लेते हैं, फ्लेवर का क्या पता। देखो, जब आप दवाई ले रहे हो ना तो मुंह से भी ले रहे हो तो तुरंत उसकी महक आपके नाक में को भी जा रही है। खाते हो ना तो कड़वा लग जाता, छोड़ देते हैं नीम को ऐसे, तो इस तरीके का होता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्मेल भी काम कर रहा होता है, टेस्ट भी काम कर रहा होता है, याद रखिएगा। कफ सिरप्स, लेक्सेटिव्स, सिडेटिव्स, एंटीस्टामिनिक्स, एंटीबायोटिक्स और विटामिंस एंड पेडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक फॉर्मुलेशन में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे। और एक सच्ची अच्छी बात बता दूं, जो बच्चों के लिए दवाई होती है उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ज्यादा यूज किया जाता है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ज्यादा यूज किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो यूज ऑफ स्पाइस वेनिला फ्लेवर फॉर फिनाइल एफरीन एंड क्लोरोफेरामीन मैलेट प्रिपरेशन हैज बीन प्रपोज्ड, याद रखिएगा। स्पाइस वेनिला को प्रपोज किया गया कि आप फिनाइल एफरीन और क्लोरोफेरामीन में आप मैलेट में इसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बोला गया है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं, स्ट्रॉबेरी इज वेल सुटेड टू ट्रांसक्यूजुलर फॉर्मुलेशन। स्ट्रॉबेरी जो फ्लेवर है वो ट्रांसक्यूजुलर में आप यूज कर सकते हैं। मिंट को आप एंटाएसिड की प्रिपरेशन में, एंटाएसिड जब एसिडिटी हो जाए तो एंटी काम करे, वो हम इसको प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं। फ्लेवर एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई एज, सीधी सी बात है, फ्लेवर जो होते हैं वो मेनली कहीं ना कहीं एज के साथ हम वो अफेक्ट होते हैं। तो इन जनरल चिल्ड्रन्स लाइक फ्रूट फ्लेवर, कौन कौन से चिल्ड्रन में जो फ्रूट्स खाते हैं छोटे बच्चे, उस तरह के फ्लेवर्स डाले गए, एडल्ट में वो वाले फ्लेवर्स डाले गए। तो इस तरीके से फ्लेवर के साथ भी हमने एक अच्छे से रोल, कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन को इंप्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद अब ये आपके सामने मास्किंग फ्लेवर्स, ठीक है, जैसे सॉल्ट है तो हम बटर स्कॉच यूज कर सकते हैं, मैपल, बिटर, व्हाइट चेरी बार्क, वॉलनट, स्वीट चॉकलेट, मिंट, एसिडिक में फ्रूट बेरी और वेनिला सिट्रस, ये हम यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने फ्लेवरिंग एजेंट का यहां पर क्लियर हो गया कि आखिरकार फ्लेवरिंग एजेंट का तात्पर्य क्या था यूज करने का, क्लियर हो गया है। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट्स में, यहां पर दिया गया है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल में बात करेंगे और सिंथेटिक में बात करेंगे। नेचुरल में सिट्रस जो कि हमें लेमन और ऑरेंज से मिलता है, स्पाइस में सिनेमन, पेपरमिंट, जिंजर से मिलता है, फ्रूट्स में हमें एप्पल और बनाना से मिलता है,
ये हुआ नेचुरल और यहां पर हुआ फ्लेवरिंग एजेंट सिंथेटिक में बेंजाल्डिहाइड सिनेमल्डिहाइड कोमेरिन एंड इथाइल मिथाइल कीटोन ये हमारे सिंथेटिक फ्लेवरिंग एजेंट हैं। क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम्पल के साथ लिखना सोचें क्योंकि एग्जामिनर कॉपी बहुत अजब तरीके से चेक करता है क्योंकि उसको पूरी कंप्लीट अगर आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो चार पांच एग्जांपल लिख दिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका आंसर और डिजाइन भी अच्छा बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय स्वीटनिंग एजेंट? स्वीटनिंग एजेंट मतलब कड़वा है तो उसको मिठास दे दी, तो कहीं ना कहीं स्वीटनिंग एजेंट का ये एक सबसे बड़ा काम है। बहुत सारी ड्रग्स हैं जो आती हैं फॉर्मुलेशंस कफ सिरप, उसमें स्वीटनिंग एजेंट डाला होता है। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया स्वीटनिंग एजेंट्स इसलिए डाले जाते हैं कि हम अपनी दवाइयों में स्वीटनेस मिठास को बढ़ा सकें और उसकी पैलेटेबिलिटी मतलब उसकी जो वो है यूज है उसका यूज है इस्तेमाल है वो बढ़ा सके ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस में। ठीक है, ओरल जो मुंह से ली जाने वाली लिक्विड जो तरल पदार्थ होता है। ठीक है, उसी के बाद लाइक स्मेल टेस्ट इज ऑल्सो केमिकल सेंस, ये भी एक तरह का केमिकल सेंस है। पर the appreciations of which results from the contact between the taste possessing materials and the taste bud in the mouth. So कहीं ना कहीं sweetening agents हम use करते ही हैं। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। ये चार तरह के taste हमने mainly याद किए हुए हैं, mainly sour, salty, bitter और sweet और umami, जिसमें से चार हमारे common हैं। Classification की बात करते हैं sweetening agents की, क्या क्या क्लासिफाई किया गया। नेचुरल में ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज डेक्सट्रोज सोर्बिटॉल और सिंथेटिक में सुक्रालोज एस्पार्टेम सैक्रीन, ये आपके सिंथेटिक में आते हैं। नेचुरल जो ओरिजिन से मिले और सिंथेटिक में जो मैनमेड लैब में बनाए गए वाले उनको सिंथेटिक बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 हुआ है कंप्लीट और मैं आशा करता हूं इसी तरीके से आप जुड़े रहें। बहुत जल्दी ही हम फार्मास्यूटिक्स को खत्म करने वाले हैं और इसी शिद्दत के साथ आप जुड़े रहें, शेयर करें। अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह के जबरदस्त लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया लाइव, फेस इट फाइट इट अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया। डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।